यूएस इलेक्शन रिजल्ट्स अब सामने आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है। ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को पछाड़ते हुए जीत के लिए जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट के आंकड़े को पार कर लिया है। ऐसा 132 साल बाद हुआ है जब अमेरिका में कोई व्यक्ति दूसरी बार प्रेसिडेंट बना है, लेकिन उसने चुनाव लगातार नहीं जीता है। इससे पहले ग्रोवर क्लीवलैंड 1884 में और फिर 1892 में राष्ट्रपति बने थे। ऐसे ही ट्रंप 2016 में चुनाव जीते थे और 2020 में वो चुनाव हार गए थे और अब 2024 में जीते हैं। इस चुनाव का असर अमेरिकी शेयर बाजार पर और भारत समेत सभी ग्लोबल बाजारों पर दिखा। डॉलर इंडेक्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डॉलर इंडेक्स इज एट 105, इट्स बैक एट 105, 100 के नीचे चला गया था एक डेढ़ महीने पहले, तो एवरीथिंग वॉज गंग हो दैट टाइम, बट डॉलर इंडेक्स हैज गेन्ड स्ट्रेंथ एंड आर करेंसी यानी कि इंडियन रूपी हैज डेप्रिशिएटेड एंड इट इज एट रिकॉर्ड लो, यानी कि हमारी डेप्रिसिएशन करेंसी में देखने को मिल रही है। इंटरवेंशन के बावजूद वी आर एट 84.23। 6 नवंबर को डॉलर में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जिसके मुकाबले भारतीय रुपया रिकॉर्ड लो पर नजर आया। ट्रंप का फोकस क्रिप्टो पर हमेशा बना रहता है, तो इलेक्शन की वजह से उसमें भी काफी तेजी देखने को मिली। क्रिप्टोज आर जूमिंग, क्योंकि ट्रंप जो है वो क्रिप्टोज को यू नो ही इज फॉर क्रिप्टोज फॉर डिजिटल करेंसीज। तो अगर आप क्रिप्टोज में बिटकॉइंस के चार्ट को दिखाओगे अभी तो 9% ऊपर आ चुका है, 22%, 15%, 9%, 10% सब ऊपर है। ट्रंप की जीत से भारतीय बाजारों में कौन से सेक्टर्स पर असर पड़ सकता है या फिर क्या हो सकता है उनका इम्पैक्ट, चलिए सुनते हैं इंश्योर कैपिटल के को-फाउंडर गिरीश सोदानी की राय। अगर हम डायरेक्ट इम्पैक्ट फॉर्मुलेशंस वाली कंपनी देखें, जैसे जाइडस हो गया है या लुपिन हो गया है, तो बिकॉज यूएस एफडीए का डेवलपमेंट जिस तरीके से रहा है पिछले 3 साल के अंदर, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई दिया था हमें फार्मा सेक्टर्स के अंदर, बट हम थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहे हैं बिकॉज अगर ट्रंप आते हैं, क्योंकि उनके टेन्योर्स में हमने काफी रिलैक्सेशन देखा था यूएस एफडीए में एंड हमारे फार्मा सेक्टर्स की काफी डेवलपमेंट भी हुए थे। हालांकि वो ईयर हमारे लिए थोड़ा सा एक पैंडेमिक वाला टाइम फ्रेम भी था, ऑब्वियसली उस सेक्शन को हम लेके नहीं चलेंगे। कहीं पे भी हमको लगता है कि जो डायरेक्ट फॉर्मुलेशन वाली कंपनीज हैं जैसे कि जाइडस है, उसको लेकर थोड़ा सा हम बुलिश हैं बिकॉज ऑलरेडी एक अच्छे रेट्स अच्छे ग्रेड्स पे मिल भी रही हैं कंपनीज, बट फॉर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म, बिकॉज सेम जब कोई गवर्नमेंट आती है तो इट टेक्स सम टाइम टू जस्ट अरेंज ऑल द पॉलिसीज एंड एवरीथिंग, उसके लिए हम डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं देखेंगे, बट हाँ लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। वहीं भारतीय शेयर बाजारों की बात करें तो कई एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि इंडियन मार्केट्स में 6 नवंबर की तेजी के पीछे यूएस इलेक्शन रिजल्ट्स का बड़ा कारण रहा है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का ऐसा भी मानना है कि एफआईआईज की डेरिवेटिव्स में लॉन्ग पोजीशंस बनाना इस तेजी के पीछे की बड़ी वजह है। निफ्टी के लिए 24,500 का एक बड़ा क्रूशियल सपोर्ट लेवल माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि बाजार इस लेवल से ऊपर की तेजी दिखाएगा या फिर एक बार फिर से हमें डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब ये तो हमें अगले ट्रेडिंग सेशन में ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप जागरण बिजनेस को ऐसे ही देखते रहें और हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।